can hear me? Take it then. Okay. Intern, sir? हेलो एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम टॉप शॉट। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग हस्तियों से बातचीत करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है और आप कुछ जो कुछ पूछना चाहते उसके बारे में मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे स्वामी अग्निवेश जी से। स्वामी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वामी जी, आपका भी धन्यवाद है सुरेश जी। स्वामी जी, जब भी काफी समय से मैं आपके बारे में सुनते आया हूं, आपको देखते आया हूं और आपने जो भी अलग अलग काम किए उसके बारे में मैं भी थोड़ा बहुत अवगत हूं, लेकिन स्वामी जी एक चीज मैंने हमेशा आप में देखी है कि आप हमेशा कुछ न कुछ चीज आपको यदि पसंद नहीं आती तो उसके खिलाफ आप लड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसकी शक्ति आपको कहां से मिलती है, इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रभु जी, जब मैं पैदा हुआ और 4 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे नाना जी, मैं आंध्र प्रदेश का हूं, तेलुगु मेरी मातृभाषा है, लेकिन आप बहुत हिंदी अच्छी, बहुत कम लोग जानते हैं, लोग मुझे हरियाणा से जानते हैं। तो वहां मैं फिर आंध्रा से उठ के छत्तीसगढ़ में एक शक्ति नाम की रियासत, वहां मेरे नाना जी दीवान थे, उनके पास हम लोगों का पूरा परिवार आ गया। वो बहुत पूजा पाठ करते थे और घर में ही एक मंदिर जैसा बना रखा था उन्होंने, तो मैं भी बच्चा था, मैं भी उनके साथ पीछे पीछे सब देवी देवताओं का सब पूजा पाठ करता, बहुत भगत किस्म का था मैं तो। लेकिन अंधविश्वास बहुत, रूढ़िवादिता, जातिवाद भी, तो इस तरह की सारी चीजें मेरे संस्कारों में आ गई। मैं जब मैट्रिक पास करके आगे पढ़ना चाहता था तो कोई तरीका नहीं था, तो मुझे मेरी बहन थी कलकत्ते में, उसने कहा कि यहाँ आ जाओ, पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगा, पढ़ भी लेना, नाइट क्लासेस कर लेना। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ पर मेरा परिचय हो गया आर्य समाज से, महर्षि दयानंद की विचारधारा से, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो सारा जो धार्मिक अंधविश्वास रूढ़िवाद था सब खत्म और एक नई जिंदगी शुरू हो गई। फिर वहां अपनी पढ़ाई पूरी करके एमकॉम एलएलबी करके मैं वहां सेंट जेवियर्स कॉलेज में लेक्चरर हो गया बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ में, और हाई कोर्ट में भी वकालत की मैंने, कलकत्ता हाई कोर्ट में। मेरे सीनियर थे सब्यसाची मुखर्जी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने, मैं उनका जूनियर था। खैर, तो ये सब करते कराते 5 साल और बीत गए, तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, ये काम कुछ बन नहीं रहा, देश की हालत अच्छी नहीं, समाज की हालत अच्छी नहीं, धर्मों की अच्छी हालत नहीं, तो मुझे छोड़ के कुछ करना चाहिए। तो एक तरफ नक्सलवादी आंदोलन था, या तो मैं उसमें जाता, उसी समय शुरू हुआ, और प्रेसिडेंसी कॉलेज पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। हाँ, पश्चिम बंगाल क्या, हमारे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां उस आंदोलन में चले गए जा रहे थे। तो मेरे लिए चॉइस था कि या तो मैं उधर जाऊं कुछ करने के लिए, और या फिर अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ करके, और गांधी जी ने जैसे एक रास्ता बनाया अहिंसक आंदोलन का, ऐसा मैं कोई देश में काम करूं। तो ये दूसरी बात स्वीकार करके मैं कलकत्ता छोड़ के चुपचाप हरियाणा के गांव में आ गया। 1967-68 की बात, 40 साल हो गए लगभग,
तो वहां से फिर मेरा नया जीवन शुरू हुआ। तो मेरी जो अंत प्रेरणा है वो एक आध्यात्मिक है। मैं खुद अपनी एक तरह से मुक्ति की तलाश में हूं, लेकिन मेरी मुक्ति जुड़ी हुई है तमाम उन बेजुबान लोगों की मुक्ति के साथ जो दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, सताए जा रहे हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। तो उनकी आवाज मैं बनने की कोशिश करता हूं। जहां कहीं भी अन्याय देखता हूं किसी भी रूप में, तो उसके खिलाफ बोलना, मैं उसी को अपनी ईश्वर भक्ति मानता हूं। मैं कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जाता, कोई और पूजा पाठ नहीं करता। केवल और केवल अन्याय से संघर्ष करना ही मेरी ईश्वर भक्ति है। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि आपकी जिंदगी की जो शुरुआत हुई उस समय आप एक भगवान को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और हमारी जो आर्य समाज की जो संस्कृति है उसमें तो मूर्ति पूजा बिल्कुल मान्य नहीं है। तो एक विनोबा जी भावे जी जो उन्होंने कहा था कि जो कभी जाती नहीं वो जाती है, और जिस तरह के संस्कार मन के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आपने कोई आके स्पिरिट आपको पकड़ लेता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस संस्कारों को किस तरह से छुड़ा, छुटकारा पा सके आपने, क्योंकि वो तो एक बहुत ही मुश्किल बात मानी जाती है। बहुत सही कहा आपने, बहुत गहरे संस्कार थे और पूरे परिवार में सारे पता नहीं कब कब से। लेकिन मैं इसको फिर से एक बार ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानता हूं कि मुझे इस जीवन में ही और उस अवस्था में, मैं 17-18 वर्ष का रहूंगा जब मैंने सत्यास प्रकाश पढ़ा, सारे अंधविश्वास मेरे दूर होते चले गए, मूर्ति पूजा छूट गई, और वेदों को पढ़ करके तब मुझे पता लगा कि जो मैं ईश्वर की भक्ति करता था वो तो सही ईश्वर नहीं है। इसको कहते हैं ना, आई वॉज वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। तो मैंने कहा ये तो मैं कितना नुकसान कर रहा था। मैं 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह रोज लगाता था, वो मेरे 4 घंटे बच गए, और कहीं जाना नहीं पड़ता था कि क्योंकि ईश्वर यदि सब जगह है तो मेरे हृदय में भी है, मेरे मन में भी है, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए निकाला अपने लिए, और अपने बारे में सत्य को जानना कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं। बस इन्हीं पर चिंतन करते करते सारी जितनी और शंकाएं थी वो दूर होती चली गई, और जीवन में एक निर्मलता, एक सरलता, वो सब आने लगी। तो मेरे और परिवार के सदस्य थे उनको मेरा आर्य समाजी बनना तो अजीब सा लगा, क्योंकि वो सब थे उसी पुराने पौराणिक जिसको हम कहते हैं, लेकिन उनको मेरे आचार विचार में जो परिवर्तन आ रहा था वो अच्छा लगा। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, गुस्सा कम करना, या इस तरह से जो मेरे सदाचार संबंधी कुछ परिवर्तन आए वो उनको अच्छे लगे। तो मैं लगा रहा और आगे चल करके मुझे बहुत इससे न केवल आत्मिक शांति मिली, बल्कि मुझे बाकी सभी धर्मों में, जो दुनिया में बड़े बड़े ऑर्गेनाइज रिलीजन इनको कहते हैं, उनको नजदीक से देखने का मौका मिला। पूरे वर्ल्ड लेवल पर मुझे लगा कि सभी जगह जो सही ईश्वर का जो होना चाहिए स्वरूप और सही उसकी भक्ति का तरीका वो नहीं है। सभी जगह एक तरह से इंडस्ट्री सी बन गई है, एक कारखाना, एक दुकानदारी सी चल रही है, जिसमें मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में बहुत से दलाल, बहुत से एजेंट घूम रहे हैं और कह रहे हैं जी ईश्वर तक जाना है तो पहले मेरे पास आओ, फिर यहाँ कुछ भेंट पूजा करो, तब तुम्हारे लिए हम वीजा और पासपोर्ट बनाएंगे। तो मुझे इनका धंधा साफ समझ में आ गया, अब मैं इनसे मुक्त हूं। स्वामी जी, आपने LLB की पढ़ाई की, कानून के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो शायद आपको यदि हम नॉर्मल सिचुएशन में देखते थे तो शायद आप काला कोट पहन के हमें दिखाई देते थे। तो आपने काले रंग को हटा दिया और आपकी जिंदगी में आपने नया रंग आपकी जिंदगी में आ गया। तो एक तो उसमें मैं मानता हूं तो काला काम आप करना ही नहीं चाहते, इसके लिए शायद आपने काले काम को भी हटा दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, एक जो हम हमेशा जब चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए या यह सत्य क्या है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारी जिंदगी का प्रयास हमेशा शुरू रहता है, तो उसमें रिलीजन का क्या रोल है? कि यदि आपको यदि खुद के बारे में कुछ जानना है, खुद के बारे में ढूंढना है, खुद के बारे में जो तलाशी करनी है, उसमें रिलीजन कहां तक आपको मदद कर सकता है? सुरेश जी, जिसको हम रिलीजन कहते हैं आज के समाज में,
उसमें रिलीजन का मतलब सीधा रिचुअल्स, माइंड बॉगलिंग सेंसलेस रिचुअल्स, कोई मतलब नहीं, कोई सोशली रेलेवेंट भी नहीं है रिचुअल्स, और सुपरस्टिशंस, मिरेकल मॉन्गरिंग, ये सब रिलीजन का एक पैकेज है पूरा। वो मुझे लगता है कि वो बाधक है, रुकावट है। यदि अपने बारे में सत्य को जानना है तो केवल और केवल एक वैज्ञानिक पद्धति से, जैसे विपश्यना है, इस तरीके से हम अंदर जाएं, अपने आप को जाने देखें और असत्य से छुटकारा पाएं, तो वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से लिबरेट करता है, मुक्त करता है, और पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि से जोड़ता है, एक साथ इन चीजों से तोड़ता है जो असत्य है, और जो असली है ईश्वर की पूरी सृष्टि उससे जोड़ता है। मतलब जब आप जान लेते हैं कि मैं एक जीवात्मा हूं, यह शरीर नहीं हूं, और जीवात्मा अमर है, और इस प्रकार का सारा विभाजन कर रखा है दुनिया को जातियों में, ऊंची जात छोटी जात, या धर्मों में, हिंदू धर्म मुस्लिम सिख, ये सब झूठे हैं, ये मनुष्यकृत हैं, ये राष्ट्र की सीमाएं भी चालाक लोगों ने कुछ बना दी जो बदलती रहती हैं। तो इन सब चीजों में, जैसे राष्ट्रवाद, जैसे धर्मवाद, जातिवाद, ये सब का सब बिल्कुल नकली दिखाई पड़ता, समझ में आ जाता है। फिर पूरी मानवता से प्रेम, और केवल मनुष्यों से नहीं, पशु पक्षियों से भी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हिस्से हैं, उनसे मेरा जीवन एनरिच होता है। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, तो मुझे लगता है कि एक दृष्टि जो है बदलती है, विश्व दृष्टि। यानी आपका कहना है कि आज हम रिचुअल्स में ज्यादा फंस गए हैं और स्पिरिचुअल को भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी रिचुअल के पीछे जाएंगे तो स्पिरिचुअल हमारे से हट जाएगा। हाँ। और जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पूरी देश की जो आत्मा है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, रिलीजन तो अलग बात है लेकिन स्पिरिचुअलिज्म बहुत ही आगे जाने वाली बात है। तो स्पिरिचुअलिज्म को हमने साथ में जोड़ के जाना चाहिए। तो स्वामी जी, आपने कुछ समय राजनीति में भी बिताया और आप विधायक भी रहे और शायद आप मंत्री भी थे, हरियाणा में शिक्षा के मंत्री थे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीति में एक आज लोगों के दिल में, हमेशा आप जब बातचीत करते हैं सामान्य लोगों से बातचीत होती है, तो लोगों को राजनीति के प्रति एक थोड़ी सी कुछ हेटेड पैदा होने की शुरुआत हो गई है। कुछ सर्वेस भी आते हैं उसमें लिखा जाता है कि राजनीति की जो जिस तरह से आज परवरिश हो रही है उसमें लोगों को कुछ दिलचस्पी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आज, क्योंकि राजनीति के बिना कोई चारा भी नहीं है, यदि हमको यदि जनतंत्र से काम करना है, लोकतंत्र से काम करना है, डेमोक्रेसी की जरूरत है, तो राजनीति की जरूरत होगी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की जरूरत होगी। तो किस तरह से आज लोगों के दिल में एक दुर्भाग्य से जो भावना पैदा हो रही है उसको हटाने के लिए क्या इस कुछ और कुछ किया जा सकता है जिसमें राजनीति भी अच्छी चले, लोगों के भी काम चले और लोगों के उनके प्रति जो भावना है उसमें बदलाव आए? ये बड़ा अहम सवाल। जब मैं छोड़ करके अपना घर परिवार नौकरी आदि लोगों में काम करने के लिए आया हरियाणा में, तो पहली बात हमने ये सोचा चलो हरियाणा को जाने नजदीक से, गांव के लोगों को, गरीबों को, किसान मजदूरों को, माँ बहनों को। तो हमने एक पद यात्रा शुरू की शुरू में। तब मैंने अपना वो प्रोफेसरी का बाना वाना छोड़ के सूट बूट टाई और एक ऐसी सादा कपड़ा, जैसे हज में जाते हैं ना जब ये मुसलमान भाई, तो जिस तरह कपड़ा पहनते हैं बिना सिला हुआ, ऐसे मैं पहन के नंगे पैर रहता था, मैं और स्वामी इंद्रवेश जी, दो हम साथी थे। तो हमने 200 नौजवानों को इकट्ठा किया और कुरुक्षेत्र से हम पैदल चले, गांव गांव से होते हुए जाएंगे, गांव वालों से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। तो पहली बार एक नई चीज आई, गांव के लोगों से हमने जैसे जाओ, हमारे कोई जानता नहीं था, फिर भी गांव वाले इतना प्यार और इतना आदर दिए कि कुछ लोग आए हैं समाज सेवा के। हाँ, खाना पीना पूरा स्वागत करते थे वो। हम पूछते थे क्या सेवा करें, तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के बोलती थी कि बेटा ये जो शराब की दुकान है ना, ठेका जो बंसीलाल ने खोला है, उस समय चीफ मिनिस्टर थे वो, ये हटवा दे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे जीवन में सुख शांति जो थी वो इस शराब के बोतल ने बर्बाद कर दी, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ये तुम जाके बोलो चंडीगढ़ में कि ये हटा दे। हम बड़े आश्चर्य में हुए,
कि ये गांव के लोग हमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे कि हम कोई इनके लिए हवाई जहाज लाएं, कि इनके लिए सड़कें बनवाएं, कि इनके घरों में बिजली पहुंचाएं। बोले नहीं, सुख शांति हमको चाहिए। और ये शराब ने बर्बाद कर दिया। नया नया हरियाणा प्रांत बना था और विकास के नाम पर सरकार सड़कें बनानी, बिजली लानी, तो कहां से आएगा पैसा? शराब के ठेके नीलाम कर करके और गांव गांव में ठेके खोल दिए। तब हमने जब कहा हम शराब का विरोध करेंगे, जब हमने सब गांव वालों से, पंचायतों से दस्तखत करा के चीफ मिनिस्टर को दिया, तो उन्होंने हमें अरेस्ट करवा दिया। ये कौन से साल की बात है? ये 68-69 की बात है। झूठे मुकदमे बनवा दिया हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, हाथों में हथकड़ी डाल करके बाजार में जुलूस निकलवा दिया। ये कौन होते हैं मुझे राजनीति सिखाने वाले कि कैसे विकास, क्या डेवलपमेंट होता है? मैं तो जानता हूं कि कैसे आगे बढ़ाना स्टेट को। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि शराब के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने पूरे देश के आजादी के आंदोलन में उसको आजादी के बराबर का मुद्दा रखा, कहा कि जैसे अंग्रेज जाएंगे तो एक एक शराब के कारखाने और ठेके को मैं ठोकर मार के बंद कर दूंगा। और आजादी के बाद उल्टा हो रहा है और सरकार कहती है कि नहीं, हम इसको बंद नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार। और तो दूर रही, उन दिनों सब देश भर में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, ऊपर भी नीचे भी। तो जेल में हम लोगों ने काफी मनन किया इस पर कि राजनीति को बदले बगैर हम शराब को एक सामाजिक बुराई कह के बदलेंगे, बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल सकते, क्योंकि राजनीति में शराब की बड़ी जबरदस्त जगह है। शराब के व्यापारियों से सबसे ज्यादा पार्टी को चंदा मिलता है। जिस दिन वोट पड़नी उसकी पिछली रात को शराब पिला पिला करके लोगों को बेहोश करके वोट की फसल काटी जाती है। शराब की जो आय है, जिसको राजस्व कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी, उससे गवर्नमेंट को सिंगल मोस्ट, जिसको कहा जाए, बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है वो। तो ये सारी चीज हमने कहा कि सारी शराब ही एक तरह से कंट्रोल कर रहा है इकोनॉमी को, सोशल पॉलिटिकल लाइफ को, और इसको जरा सा हमने छूने की कोशिश की तो हमको जेल में डाल दिया। तो हमने कहा हमें खुद आना पड़ेगा राजनीति में और ये मुद्दा बनाएंगे। तो हमने जेल में बैठ के तय किया कि हम बाहर निकलेंगे तो संन्यास की दीक्षा लेंगे, और लोग राजनीति से संन्यास लेते हैं, हम संन्यास से राजनीति लेंगे। तो 7 अप्रैल, जो हमारा कैलेंडर का, जो भारतीय कैलेंडर का नया दिन कहलाता है, पहला चैत्र, आर्य समाज का स्थापना दिवस भी था, उस दिन हमने दयानंद मठ रोहतक में, मैंने और इंद्रवेश जी ने, पहले हम दोनों के नाम भी अलग थे, मेरा नाम था वेपा श्याम राव, तो वो बदल करके मेरा हुआ अग्निवेश, और उनका था इंद्रदेव मेधार्थी, वो बने इंद्रवेश। तो हम दोनों ने उसी दिन उसी मंच से जहां से हमको दीक्षा दी गई वहीं से हमने घोषणा की कि हम समाज से भागने के लिए नहीं ले रहे संन्यास, हम राजनीति को पवित्र करने के लिए संन्यास ले रहे हैं। और पूरी ताकत से हमने फिर राजनीति की, मूल्यों की राजनीति की, आदर्श की राजनीति की, और उसकी पता नहीं कैसे खबर लगी जयप्रकाश नारायण जी को 2-3 साल के बाद ही, जब वो संपूर्ण क्रांति की मशाल लेकर के गुजरात से लेकर बिहार तक आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलवाया। एक उनके मित्र थे सेन, उनसे खबर मिली मुझे कि आपको जेपी याद कर रहे हैं और आपको जाना है। तो मैं कदम कुआ पटना में उनके घर पर पहुंचा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार, इतनी इज्जत दी, मैं विश्वास नहीं कर सका, इतना बड़ा नेता था। तो उन्होंने कहा कि आप इस आंदोलन में आइए। मैंने कहा जी हम तो राजनीतिक पार्टी बना के चल रहे हैं और वैदिक सोशलिज्म हमारा प्रोग्राम है, आप बताइए सोशलिज्म कैसे आएगा देश में। तो खैर वो तो पहले जमाने के मार्क्सिस्ट रहे, मैं वो मुझे तो सब बताया उन्होंने, तो मुझे बहुत प्रभावित किया उन्होंने। फिर मैंने कहा ठीक है हम आपके आंदोलन में। तो स्वामी जी, ये आपने जो नाम अभी लिया है अग्निवेश जी, तो इसमें अग्नि है और वेश तो आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि का कुछ खास जानबूझ के आपने क्या कि सबको जो बुराई है उसको खत्म कर देने का, उसको जला के खत्म कर देने का, ऐसी कोई आपकी भावना थी? अग्निवेश नाम कैसे है? हाँ नहीं, अग्निवेश नाम हमारे एक तो शास्त्रों से, चरक सुश्रुत संहिता में
बहुत बड़े एक ऐसे ऋषि हुए अग्निवेश। तो बाकी ये नाम मुझे प्रभावित करता है कि जो अग्नि का जो सिंबल है वो बहुत ही प्यारा है, वो शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, पूरे उसको बढ़ा देता है ताकत को। और ये जो वेश है सन्यासियों का वेश है तो मेरा बनाया ने पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये आग का रंग है, लोग इसको गेरुआ या सेफ्रन केसरिया ये बोलते हैं, वो नहीं, ये रंग है अग्नि का, लपटों का, और इसलिए मुझे ये रंग बहुत प्यारा है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे स्वभाव में भी कुछ आग्नेय था रहा उस समय, अभी भी थोड़ा बहुत है लेकिन वो अग्नि की भी जरूरत है ताकि अग्नि से ही तो खाना बन सकता है। जी जी जी, अग्नि से ही जो गलत बात है उसको निकाला जा सकता जी, है। जी जी, स्वामी जी एक बातचीत जारी रखेंगे और भी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद टॉप शॉट कार्यक्रम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपसे मिलेंगे, स्वामी अग्निवेश जी से बातचीत जारी रखेंगे। तो स्वामी जी एक बातचीत जारी रखेंगे और भी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद टॉप शॉट कार्यक्रम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपसे मिलेंगे, स्वामी अग्निवेश जी से बातचीत जारी रखेंगे। टॉप शॉट कार्यक्रम में दोबारा आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे स्वामी अग्निवेश जी से, दोबारा इनसे बातचीत जारी रहेगी। स्वामी जी आपने तो बहुत ही अच्छी बात हमके बताई कि आपने सन्यास को स्वीकार किया और राजनीति में आए, और आप कह रहे थे कि राजनीति को आने के लिए लोगों को शायद राजनीति छोड़ने के लिए, जैसे मैं भी चाहता हूं, हम सन्यास लेके बाहर जाना चाहते, तो राजनीति में आप आए तो आपकी कोई एक ऐसी इच्छा होगी, कुछ ऐसी आपकी जो मिशन होगी, क्या वो मिशन राजनीति से पूरी हो सकी? देखिए, राजनीति में आने के पीछे मेरा और मेरे साथियों का मुख्य उद्देश्य था एक मुल्क में, समाज में आदर्श एक वाद की लहर पैदा करना, नौजवानों में खास करके, और साथ ही समतामूलक समाज बनाना, जो ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेदभाव है ये मिटाना, औरतों को बराबरी मिलनी चाहिए, और जो जातिवाद है वो समाप्त होना चाहिए, शराब नशे वगैरह खत्म होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये सोचा था कि हम एक अच्छा समाजवादी समाज बनाएंगे और पूंजीवाद को ख़त्म करेंगे, ये सारे सपने थे उस समय के, हमारी जवानी के। लेकिन जैसे जैसे हम राजनीति में अंदर गए, जनता पार्टी का गठन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में से हम भी जेल में थे 14 महीने इमरजेंसी के दौरान, और फिर वहाँ गांधी जी का साहित्य पढ़ा ये वो, तो मन में बड़ी उमंग थी कि राजनीति को हथियार बना करके और देश का परिवर्तन कर देंगे, सारा भ्रष्टाचार मिटा देंगे, बेईमानी वगैरह। लेकिन जब जनता पार्टी बनी और उसमें मुझे कहा गया, जेपी ने खुद कहा कि आप इसमें शामिल हो जाओ, तो हमारी अपनी पार्टी का हमने विलय भी कर दिया, और फिर मैं, क्या नाम था आपकी पार्टी का? आर्य सभा। ठीक। और वैदिक समाजवाद हमारा विचारधारा थी, हमारी बहुत ही मतलब एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जा करके हम उसको, और ईश्वर की उपासना से हम जोड़ रहे थे समाजवादी समाज रचना को, कि एक अलग ही विचार था। हाँ, मतलब ईश्वर जो है वो समतामूलक सृष्टि बनाता है, उसमें हवा सृष्टि में जो पानी सूरज की धूप ये सबके लिए बराबर है, वह ऊंची जात और छोटी जात का फर्क नहीं है, औरत और मर्द का फर्क नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, किसी चीज का फर्क नहीं। तो हम चाहते थे समाज रचना भी उसी जो सृष्टि के नियम है उसके आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि को निर्माण ही ईश्वर ने किया है, ईश्वर का ये विचार है तो उसमें आना चाहिए। इस तरह का जी, बिल्कुल। तो वेदों से ये प्रेरणा मिली और इसको हम लोग लागू करना चाहते थे। तो इसमें लेकिन जो पार्टी तंत्र जो बनता है
तो उसमें शुरू दिन से हमें पता लगा कि इसमें तिकड़मबाजी है, बहुत चालाकी है, बड़े बड़े घाग इसमें बैठे हुए हैं। टिकट लेने के समय पर ही, जब टिकट बांटने की कमेटी में मैं खुद था, पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट्री बोर्ड बोर्ड हाँ, तो उसमें हम सबसे फैसले करवा लिए, यूनेनिमस फैसले एक एक सीट के ऊपर, और सारे के सारा वो बंडल लेकर के दे दिया गया। उस समय राज नारायण जी थे हम लोगों के ऊपर इंचार्ज, उन्होंने सारी लिस्ट बदल दी। पहले ये तय किया चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, चौधरी देवीलाल को, और फिर उनसे पूछ करके कि तुम्हारा फेथफुल, तुम्हारा लॉयल कौन कौन होगा, उसको टिकट देंगे। ये तो हमारा एक्सरसाइज बिल्कुल फ्यूटाइल गया। इतने अंडरग्राउंड रह करके हम लोग, और लोग, इतनी भीड़ होती थी उस समय जनता पार्टी के टिकट के लिए, मारामारी हो रही थी, पैसा भी लोग दे रहे थे एक एक फॉर्म के लिए, सब बेकार का झूठा, और टिकट का फैसला हो रहा कोई दूसरे कंसिडरेशन पर। बड़ा शौक लगा। चलिए फिर चुनाव लड़ करके हम आ गए अंदर, हमने देखा कि सबके साथ मिलके कुछ करेंगे, तो वहां भी देखा कि सारा धांधलीबाजी चल रही है। जो जो इमरजेंसी लागू करने वाले लोग थे उनके प्रति नरम रुख अख्तियार किया जा रहा है, केसेस वापस लेने की तैयारी चल रही है उनके खिलाफ जो चल रहे थे। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि हम लोग तो आए थे इमरजेंसी के खिलाफ लड़के, जेल से निकल के आए, तो उनको कैसे फिर से एक बार लेजिटिमेसी मिल रही है। खैर, चलते चलते फिर जब मुझे एक मौका दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर बना के हरियाणा में, कि आप लागू कीजिए कुछ अच्छी बातों को, नीतियों को, मैंने भी लागू करना शुरू किया था कि सीधे सीधे टकराहट होने लगी। हरियाणा बना था हिंदी भाषा के नाम पर, और लेजिस्लेटिव असेंबली का सारा काम अंग्रेजी में होता था, कानून फ्रेम करना ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट भी था जो सरकार का, सरकारी भाषा, मैंने कहा सब काम हिंदी में होगा। बस चीफ सेक्रेटरी और नीचे सब मेरे खिलाफ विद्रोह करने लगे। फिर मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम, आप तो अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते भी है, अंग्रेजी में आपकी पढ़ाई भी हुई है, अंग्रेजी में आपने वकालत भी की है, उसके बावजूद आप ये चाहते थे क्योंकि हरियाणा का जो राज्य है। मैं क्या, मेरा सीधा कहना था कि जब कानून के ऊपर बहस हो रही हो तो पूरी की पूरी जो जनता गैलरी में बैठी है, किसान लोग जो आते थे गांव, उनकी समझ में आना चाहिए कि क्या हम लोग बहस कर रहे हैं। जिस भाषा में हम वोट मांगते हैं उसी भाषा में हमें असेंबली में भी काम करना चाहिए और सारा कानून बनाने का काम करना। बात बिल्कुल सही है कि हम वोट मांगने के लिए तो उनकी भाषा, वो बात की भाषा, तो बाद में उस भाषा को भूल जाते हैं। तो हमने फिर काफी असेंबली में ही सब सदस्य थे, जब कानून पेश किया गया पहली बार एमएलए बन के हम खड़े हुए, तो कहा गया कि ये इंग्लिश में पेश होगा, तो हमने कहा नहीं हो सकता। बोले आप चुप रहो, हिंदी का ट्रांसलेशन दे देंगे, थोड़ा रुक जाओ। तो हमने कहा कितनी देर में दोगे, बोले 3-4 दिन में। मैंने कहा तब तो तुम्हारा कानून पास हो जाएगा, तो हम नहीं चलने देंगे। तो हमारी सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने मार्शल को बुला करके हमको फिजिकली, मुझे असेंबली से बाहर फेंक दिया कि ये डिस्टर्ब करता है। कहा ये क्या मामला, हरियाणा स्टेट में हिंदी में कागज मांगने पर और मार्शल हमको बाहर फेंक दे रहा। एक दिन फेंक दिया, दूसरे दिन आया, हमने कहा हम नहीं चलने देंगे। तो फिर उसी तरह से मार्शल को बुलाया, हमको बाहर डाल दिया। तीसरे दिन फिर डाल दिया, हमने कहा हम नहीं चलने देंगे, जब तक भी आएंगे तब तक आपको सारा काम हिंदी में करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन देना है तो दे दो जिसको जरूरत है, और नहीं तो सब काम हिंदी में करो। चौथे दिन से फिर वो लाइन पर आए और फिर हिंदी में काम शुरू हुआ। लेकिन जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना और मैंने कहा उसको मैं लागू करूंगा पूरा, तो फिर अपोजिशन शुरू हो गया। कहने का मतलब ये कि अंदर ही अंदर, और शिक्षा की नीति, मुरारजी भाई देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और एक एजुकेशन पॉलिसी डॉक्टर प्रताप चंद्र चंदर, जो मेरे इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर होते थे कलकत्ता में लॉ कॉलेज में, वो उस समय के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं हरियाणा में मिनिस्टर था, वो यूनियन के मिनिस्टर थे, यानी वो भी गुरु शिष्य काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो पॉलिसी बना रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करने को तैयार।
हम कह रहे थे कि बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चे को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और फिर कोई पैसे वालों के बच्चों को मिलनी चाहिए, ऐसे तो वो नहीं मानते थे। फिर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था, मैंने कहा इसको ऑप्शनल बना दो, जिसको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बिना इंग्लिश के भी पास हो जाएं बच्चे, क्या नुकसान है। बहुत परिवर्तन करने के लिए हमने